ओह माय गॉड, ये देख के मैं भी बहुत डर गया था एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में मैंने भी बहुत सुना था। ये बहुत ही टफ होता है क्योंकि इतने सारे स्टेयर्स है और एक ही दिन में आप रेनबो फॉल तक जाना, उसके बाद लौट के आना, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बीच रास्ते पे बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग कर नहीं पाते, तो तब यहाँ के जो लोग होते हैं एक्चुअली, ये बहुत सब रेडी रहते हैं एक्चुअली आपको ऐसे कंधे देने के लिए। तो ऐसे ही आपको फिर वापस बेस कैंप पे लाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे फिट होकर आना पड़ेगा। पार्किंग, यहाँ से आपको फिर स्टार्ट होगा डबल डेकर ट्रेकिंग। तो ये जो हाथ में आप देख रहे हो बम्बू स्टिक्स, ये आपको रेंट पे लेना है 20 रुपीस, वापस जाते हो आपको फिर से पैसे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डबल डेकर, बहुत ही मजा आने वाला है, एडवेंचर, सम एक्सरसाइज। शी इज ऑल्सो फुल रेडी नाउ। व्हाट इज द टाइम अन्ना? I'll just now it is 9:33. Okay, so now starting. Yes. तो दोस्तों ये है एक्चुअली नॉन ग्रेट विलेज, इसी विलेज के अंदर से चलना पड़ेगा। 3500 स्टेयर्स अप एंड डाउन मिला के एक साइड का, तो टोटल को दोनों साइड का मिला के आपका टोटल 7000 लगभग। तो ये जो स्टिक्स है आपको मतलब रिकमेंडेड है, क्योंकि इतना स्ट्रेस चढ़ने के लिए थोड़ा नी में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड है। तो बहुत ही खूबसूरत है नॉन ग्रेट का जो विलेज है। हाँ, इट इज़ सो माइंड ब्लोइंग। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग। आप अगर अकेले आ रहे हैं ना तो गाइड लेके आइए, नहीं तो हम लोग को जैसा हालत होगा। देखिए हम लोग थोड़ा भटक गए थे एक्चुअली, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर बाद में रास्ता ढूंढ ही लिया हम लोगों ने। डबल डेकर दिस वे, ओके, सो यू कवर्ड ऑलरेडी, यू केम यस्टरडे, वी स्टेड देयर। ओह सुपर, हाउ वाज द व्यू? How was the view? Beautiful. Super. And there's a stream like a river also flowing next to where we stayed. Okay. You're from? Pune. Okay. Both of us came. Yeah. Okay. There is one way only or one way? No. Okay. No confusion, na? No confusion. No, you can go now. You can see people going there. Okay. And how about your knees now after covering? Now, at the age of 70s. Yeah, that is what. Correct, super. The thighs are paining, calves are paining, knees are paining. Yeah. But we reached. Okay. Thank you. Nice to see you. For us it's Mount Everest. Yeah, madam? For us it's Mount Everest. Still, you have that, you dare to do it, no? That is super. Okay, enjoy your day. Yeah, thank you. तो दोस्तों मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे दोस्तों। ये व्यू देखो आप, ऑसम यार, नथिंग टू वेरी। दोस्तों दोस्तों तक रिप्लेस करेगी,
तो हम लोग कोई गाइड नहीं लिया एक्चुअली, ये लोग कुछ डरा रहे थे कि गाइड लेना चाहिए लेना चाहिए, ठीक है, पर चलते हैं। हाँ, क्या गाना है ना एक है ना, चलते चलते चारो देर किलोमीटर जीते। हाँ ट्रस्ट मी माने धरून এরকম লম্বা তো, হ্যাঁ, এবং ওটা একদম খড়াই। तो आप देख सकते हो हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, तो अभी कुछ मालूम नहीं चलेगा ट्रिप का कितना डिफिकल्ट है। जब हम लोग रिटर्न आएंगे तब पता चलेगा कि क्या है ये चीज़। अभी बस नीचे चलते जाएंगे, पर व्यूज बहुत ही सुंदर है इन टू द फॉरेस्ट। तो गाइज देखो व्यूज देखो, सुपर है। ना ना थक बे ना। तो गाइस अभी तक हम लोग ने 600 स्टेप्स कवर किया। हाँ दिस इज द व्यू आफ्टर दैट। एक्चुअली जाने का जो सफर है वो काफी आरामदायक होता है, क्योंकि आप नीचे जाते हैं तो ये जो 3500 स्टेप्स का बात हो रहा है इसका पता नहीं चलता, ठीक है, जब वापस आएंगे तब आपको पता चलेगा। और हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे डबल डेकर, उसके बाद आएगा ब्लू लकून, बहुत ही खूबसूरत है, ऑसम है, आई मीन नहाना वहाँ पे, उसके बाद आएगा रेनबो वाटरफॉल। तो रेनबो वाटरफॉल और ये आपका जो ब्लू लगून है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया, ऑलरेडी वो है मेरे, तो आप देख सकते हो। देखिए ये स्टेप्स कितना स्टीप है, तो इसी को आपको जब वापस आना है इसी को चढ़ के आना है, और इसी लोकेशन में आपको बहुत सारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं बैठे मिलेंगे बैम्बू लेके आपको कंधे देने के लिए। तो दोस्त अभी ये ऊपर से आने के बाद यहाँ पे वाई जंक्शन मिलेगा, राइट साइड आपको मिलेगा सिंगल डेकर ब्रिज, ठीक है। तो एक्चुअली वो ओरिजिनल था, उसके बाद लेफ्ट साइड आपको डबल डेकर, ये काफ़ी दूर होगा यहाँ से और सिंगल डेकर काफ़ी नज़दीक होगा। तो पहले हम लोग डबल डेकर जाते हैं, चलो। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो नज़दीक था सिंगल डेकर फिर भी हम लोग इसमें जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल डेकर में जाने से क्या होगा, सिंगल डेकर भी है वो, तो उसमें आपको अच्छा फ़ोटो लेने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, तो बेहतर है फर्स्ट आप इसमें आ जाओ, एनर्जी जितना इसमें लगा दो पहले, उसके बाद एंड में उस टाइम उसमें भी कम हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे जा सकते हो। कुछ शॉप्स भी है तो कुछ कैरी करने की जरूरत भी नहीं है। प्लीज रिमेम्बर यहाँ पे कोई भी चीज़ कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब हर डिस्टेंस में 100 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस में आपको शॉप्स मिल जाएंगे। तो वाटर के लिए खाने ड्राई फ्रूट्स के लिए कुछ भी आप अपना बैग को लोड मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत दूर चलना है, तो आराम से आइए। और ब्लूटूथ स्पीकर अगर शायद अगर आपके पास है तो ब्लूटूथ स्पीकर भी साथ में लाइए, गाना लगा के मस्त एंजॉय को नेचर के एंजॉय कीजिए। देखो इस टाइप का पोजीशन भी है, अगर कोई ऐसे आना चाहता है तो आ सकते हैं। Just you need to pay more. That's it.
दोस्तों बहुत ही एग्जॉस्टिव है ये। चलिए सर पूछ लेते हैं, एक बंदा आ रहा है सामने, उससे पूछ लेते हैं। सर वो लोग अभी नीचे से आ रहे हैं, कैसा है ट्रिप, कैसे एक्सपीरियंस है डबल डेकर का भाई? और कितना बाकी है? 40 मिनट्स। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नाइस सर। यहाँ से और 20 मिनट में वाई जंक्शन मिलेगा, वाई जंक्शन में आप आराम से रेस्ट करो, फिर वहाँ से फिर 40 मिनट्स। ऐसे बोलने से बोलो सोच नहीं, ये यहाँ से जो डबल डेकर के बाद एक घंटे में ब्लू लेगुन आएगा, उसके भी हाफ एन आवर में फिर आएगा रेनबो। अच्छा तो हम लोग अपना भी कितना टाइम बाकी है डबल डेकर के लिए? 40 मिनट्स बोला ना, 40 मिनट्स बाकी है डबल डेकर के लिए। 40 मिनट्स डबल डेकर, देन नेक्स्ट 1 आवर ब्लू लेगुन। तो मेरा भी एनर्जी फुल है, आने के बाद पता नहीं क्या होगा। ठीक है खत्म। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा ये लोकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।